कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के तकरीबन 11 जिलों में मल्टीप्लेक्स, जिम और जो स्विमिंग पूल है उसको बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि जो मॉल हैं वो खुले रहेंगे। इस वक्त मैं सहारागंज लखनऊ में जो बड़ा मल्टीप्लेक्स है, मॉल है, वहां पर मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि तमाम सारे जो मॉल हैं वो फिलहाल ओपन रखे गए हैं, लेकिन जो मल्टीप्लेक्स यानी जो सिनेमा घर हैं उनको पूरी तरह से बंद किया गया है। हालांकि आमतौर पर यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, चूंकि ये लखनऊ के बीचों बीच बना हुआ बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स है, लेकिन फिलहाल शायद इसे कोरोना का ही प्रभाव कहेंगे कि आमतौर पर यहां पर जितनी भीड़ देखने को मिलती है उतनी भीड़ फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर तमाम सारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी आपको मास्क लगाए हुए नजर आएंगे, सभी ने मास्क पहना हुआ है, प्रिकॉशंस का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी सबसे खास बात यह भी है कि मॉल के अंदर जाते समय जब आप मॉल के अंदर जाते हैं तो ठीक वहां पर सैनिटाइजर लगाया गया है प्रबंधन की तरफ से, यानी जो भी यहां पर आएगा उसको पहले सैनिटाइजर यूज करना होगा और उसके बाद ही वो मॉल के अंदर जा पाएगा। तो तमाम सारे जो लोग हैं वो आप देखिए कि अभी जो व्यक्ति यहां पर आए हैं वो यहां पर सैनिटाइजर यूज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सर क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी। आप मुझे बताइए कि ये जो कोरोना को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, आप लोग किस तरह से अपने आप को सेव कर रहे हैं? हम लोग पूरा साफ सफाई से चल रहे हैं इस समय, और काफी मतलब जहां पे जॉब करते हैं वहां पे भी साफ सफाई के उसमें काम कर रहे हैं, और कपड़े लत्ते और जो भी मतलब पूरी तरह साफ सफाई है, और हर 10 मिनट 1 घंटे में सैनिटाइजर यूज करते हैं। क्या नाम है आपका? निकित प्रजापति। निकित मुझे बताइए, कोरोना के लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, आप लोग कैसे अपना बचाव कर रहे हैं? बस बचाव यही है कि सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं बार बार, और जब ज्यादातर जो मोस्टली ये है कि बेमतलब की चीजों से दूर रह रहे हैं और बेमतलब की यात्रा और चीजों से बच रहे हैं। अगर जरूरी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं उसके लिए ज्यादा। इस मॉल या मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए पहले आपको सैनिटाइजर यूज करने को कहा जा रहा है? बिल्कुल, हर जगह जहां देख रहे हैं मॉल है, सिनेमाघर है, जो भी चीजें हैं सब बाहर सब जगह सैनिटाइजर मिल रहा है और सारी सुविधाएं हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मॉल या मल्टीप्लेक्स में के अंदर जा रहा है वहां पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इनको सैनिटाइजर यूज करने के लिए कह रहे हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं इन्होंने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, और जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो बाकायदा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी और तमाम सारे जो जन जागरण अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो सिनेमाघर है, थिएटर्स हैं, उनको बंद किया गया है, लेकिन जो मॉल है उसको ओपन रखा गया है। भीड़ काफी कम हो गई है, आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर रहती है, लेकिन शायद ये कोरोना का ही बड़ा प्रभाव है जिसकी वजह से फिलहाल भीड़ बहुत कम नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।